अभय और अबिका कार में बैठे हुए हैं। अबिका बार बार अभय को देख रही है। अचानक से अभय ने अबिका की एक फ़ोटो क्लिक कर ली। ये देखकर अबिका हैरान हो गई। अभय ने वो फ़ोटो अपने खास आदमी राघव को भेजते हुए एक मैसेज लिखा। इसका नाम अबिका है, कल तक मुझे इसकी पूरी डिटेल निकाल कर भेजो। वही अबिका हैरानी से अभय को देख रही है। अभय अबिका की तरफ देखते हुए क्या हुआ, अबिका अपने सेंस में आते हुए अभय से हकलाते हुए पूछती है, तुमने मेरी फ़ोटो क्यों खींची? अभय अबिका को देखते हुए, पहले तुम ये बताओ, क्या मैं तुम्हें डरावना दिखता हूँ? तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो? अभय की बातें सुनकर रघु अपने मन में, अभी तो सर प्यार से बोल रहे हैं, तब ये इतना डर रही है। जिस दिन सर का असली रूप देख लेगी तब पता नहीं क्या करेगी। अबिका अभय से, मैं कहाँ डर रही हूँ, पहले तुम ये बताओ, तुमने मेरी फ़ोटो क्यों ली? अभय अबिका को घूर कर देखते हुए, क्या तुम हकलाती हो या फिर तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसे बात कर रही हो? अभय अबिका कुछ नहीं बोलती, क्योंकि सच में अभय से डर रही थी। जब वो कार में बैठी थी तभी उसने लैपटॉप के पास एक गन देख ली थी और वो अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। अभय अबिका को ध्यान से देखता है, फिर उससे बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में पता लगाना था, इसलिए मैंने तुम्हारी फ़ोटो क्लिक कर ली। अभय की बात सुनकर अबिका डर जाती है। वो डरते हुए उसे पूछती है, पता लगाना था मेरे बारे में क्यों? अबिका के इस तरह बोलने पर अभय बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। वहीं ड्राइवर सीट पर बैठा रघु बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। अभय थोड़ा तेज लहजे में बोलता, क्या तुम हकलाना बंद करोगी? अभय की तेज और कड़क आवाज़ सुनकर अबिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसको फिर से रोता देख अभय एक लंबी सांस लेते हुए अबिका से बोलता है, देखो अबिका, तुम रोना बंद करो, अगर तुम ऐसे रोगी तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आएगा। अबिका जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, फिर वो धीरे से बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में क्यों पता लगाना है अभय? क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और अपनी होने वाली वाइफ के बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। अभय की शादी वाली बात सुनकर अबिका हैरान हो जाती है और रघु अचानक से ब्रेक मार देता है। वो भी पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। वहीं अबिका ब्रेक की वजह से आगे की तरफ झुक जाती है। तब भी अभय उसे पकड़कर खुद की तरफ खींच लेता है। अबिका अभय को बैग से ही शॉक्ड होकर देखने लगती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अनजान नहीं होता कि वो अभय की बाहों में है। अबिका को अपनी तरफ खींचते ही अभय गुस्से से रघु पर बरस पड़ता है, यू इडियट, तुम्हें मरना है मेरे हाथों, ये क्या तरीका है करने का? अभय की गुस्से भरी टांट सुनकर रघु डरते हुए, सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। वही अबिका तो बस अभय को देखे ही जा रही है, उसे भी सुनाई नहीं दे रहा, उसका पूरा ध्यान अभय पर ही है। अभय अपनी बाहों में अबिका को देखता है, उसे खुद को देखता देख अभय के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अबिका के गालों को छूते हुए, तुम ठीक हो? अबिका होश में आ जाती है। वो तुरंत अभय की पकड़ के छूट कर पीछे हट जाती है। ये देखकर अभय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अबिका अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए इधर उधर देखने लगती है, तभी उसकी नज़र गन पर जाती है और चेहरे पर फिर से डर के भाव आ जाते हैं। अभय अबिका की नज़रों का पीछा करते हुए देखता है कि अबिका की नज़र गन पर है। उसे जाकर समझ आता है वो इतनी देर से क्यों डर रही थी। अभय गन को लैपटॉप के पीछे कर देता है, तब भी अबिका अभय को देखती है। अभय उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख रहा होता है। अबिका अभय के फेस को देखते हुए, क्या ये सच में मुझसे शादी करना चाहता है या फिर मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है? वैसे ये मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा? मैं तो इससे अपनी मिली
मैं तो इसे कभी मिली भी नहीं और नहीं कभी इसे देखा। ये पक्का मेरा फ़ायदा उठाना चाहता होगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। अबिका को अपने ही ख्यालों में खोया देख अभय अपनी फिंगर से उसे टैप करके बोलता है, मुझसे बच के भागने का सोच रही हो? अबिका जल्दी से अपना सर नम नहीं हिलाते हुए मन में सोचती है, इसे कैसे पता चला क्या ये मेरे ख्यालों को पढ़ सकता है? अब मेरे से बचने की भागने की सोचना भी मत, अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी। ये बोलते हुए अभय की सीट पर रखी गन को हाथ में ले लिया और अबिका की तरफ पॉइंट कर दिया, तो मैं तुम्हें इसी गन से उड़ा दूंगा, समझी? इस बार अबिका कुछ ज़्यादा ही डर जाती है। वो अपना सिर तेजी में हमें हिलाने लगती है, जैसे वो बोलना चाहती हूँ, हाँ मैं समझ गई। अगर तुम समझ गई तो अच्छी बात है। उसी समय कार बिला ने इंटर करते हुए बिला के फ्रंट डोर पर रुक जाती है। अभय के साथ अबिका भी कार से बाहर आती है। वो बिला को देखकर हैरान हो जाती है, उसने आज तक इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। हालांकि अभी रात का समय था, फिर भी लाइट की रोशनी में बिला चमक रहा था। अभय अबिका को हाथ पकड़ते उसे लिविंग रूम में ले आता है। अबिका तो बस हैरानी से पूरे बिला को देख रही है, वही सारे सर्वेंट भी हैरानी से अबिका को देखने लगते हैं। उन सब ने आज तक अभय को किसी लड़की का हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा था। अभय सबको देखते हुए तेज आवाज में बोलता है, इस बारे में कोई भी बात सिंघानिया मेंशन तक नहीं जानी चाहिए और कल से बिला के अंदर कोई भी मेल सर्वेंट काम नहीं करेगा। फिर वो एक 50-55 साल की मेड की तरफ देखकर बोलता है, सविता आंटी हम दोनों को डिनर रूम में ले आइएगा। ये सब बोलते हुए भी अभय के अबिका का हाथ नहीं छोड़ा और अबिका भी अपने सामने ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने ये सब फिल्मों में ही देखा था। अभय सभी को इंट्रक्शन देकर अबिका को अपने साथ रूम में ले जाता है। अबिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था वो अपनी सुध-बुध खो चुकी है। वही सारे सर्वेंट अबिका को अभय के रूप में जाता देख और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सविता आंटी कुछ मेड के साथ किचन में चली जाती है। अभय अबिका को अपने रूम में ले आता है। अबिका अभय के रूम को बड़े ध्यान से देखने लगती है। अभय प्यार भरी नज़रों से अबिका को देखता है और उसके कानों में बोलता है, तुम्हें याद है ना मैं तुमसे कार में क्या बोला था? इसलिए यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। अबिका थोड़ा डरते हुए अभय को देखने लगती है। अभय अबिका के गालों पर किस करके वॉशरूम के तरफ चला जाता है। अबिका अचानक किस से हैरान हो जाती है। वो अपने हाथों को अपने गालों पर फेरने लगती है। अबिका को अभय के इरादे नेक नहीं लग रहे थे, वो और वहाँ नहीं रुकना चाहती, इसलिए वो रूम में से बाहर जाती है। उसे सामने बहुत सर्वेंट दिखाई देते हैं जो उसी तरफ देख रहे थे। ये देखकर अबिका रूम में वापस आ जाती है और रूम में चारों तरफ देखने लगती है। उसकी नज़र पर्दे के पीछे से आ रही रोशनी पर जाती है। अबिका पर्दे हटाकर देखती है, वहाँ पर रूम की बालकनी है। अबिका बालकनी का गेट खोलने की कोशिश करने लगती है, तभी उसे पीछे से अभय की आवाज़ आती है, मैं हेल्प कर दूँ? अभय की आवाज़ सुनकर अबिका डर जाती है। वो पीछे मुड़कर अभय को देखने लगती है। अभय भी उसी के पास आने लगता है। इस वक्त अभय ने सिर्फ एक लोअर पहना है और अपने बालों को टॉवल से पोंछ रहा है। अबिका उसे सिर्फ लोअर में देखकर शर्मा जाती है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए माय डियरिंग हस्बैंड।